नमस्कार साथियों, मैं सुधीर कुमावत, फैकल्टी जूलॉजी। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने दो काफ़ी इम्पोर्टेंट डायग्राम हमने देखे थे, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट डायग्राम हमने डिस्कस किए थे, एक तो ये डायग्राम था, ये जो अपना साइड व्यू एक्सटर्नल साइड व्यू है, और एक यहाँ पे क्या है इसके अंदर, एक इसके अंदर साइड व्यू है, कट सेक्शन है, ठीक है ना। ये कट सेक्शन है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फीचर हम पढ़ रहे थे, बट एक्सटर्नल फीचर है मैंने थोड़े बहुत तो बताए थे इसका, यानी मैंने इसका साइज, कलर, शेप, साइज और कलर है वो डिस्कस किए थे, बट बाकी जो फीचर डिस्कस करने से पहले डायग्राम बनाना जरूरी था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं फिन्स की बात करता हूँ। सबसे पहले किसकी बात करता हूँ मैं, यहाँ पे फिन्स की बात करता हूँ। तो यहाँ पे फिन्स की बात करें हम, फिन्स पक, तो यहाँ पे देखिए तीन पक पाए जाते हैं। कितने पक पाए जाते हैं यहाँ पे, तीन पक पाए जाते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा है उसमें तीन पक यहाँ पे पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन पक होते हैं, कितने पक होते हैं, तीन पक होते हैं, और अयुग्मित पक है, ये भी ध्यान रखना, अयुग्मित पक है ये, अयुग्मित पक है, यानी अनपेयर्ड फिन्स है, अनपेयर्ड फिन्स है। तो तीन फिन्स की हम बात करें यहां पे, कौन कौन से फिन्स है इनकी हम बात करते हैं। यहां पे डोर्सल फिन है, डोर्सल फिन है, कोडल फिन है, और वेंट्रल फिन है, ये तीन फिन है। इन तीन फिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डोर्सल फिन की बात करें हम, तो इसको हम पृष्ठ पक कहते हैं। कोडल फिन की बात करें, इसको हम पूछ पक कहते हैं। इसको पूछ पक कहते हैं, और वेंट्रल फिन की बात करें, इसको हम अधर पक कहते हैं। ये अधर पक कहते हैं, ये तीन पक हैं, ठीक है ना। डोर्सल फिन है, कोडल फिन है, और वेंट्रल फिन है, ये तीन फिन होते हैं यहाँ पे। अब देखिए, सबसे जो लंबा फिन है वो होता है डोर्सल फिन, वो शरीर की संपूर्ण लंबाई में पाया जाता है और पृष्ठ भाग में मिलता है। किसमें भाग में मिलता है, नाम से ही पता है, डोर्सल फिन शरीर के पृष्ठ भाग में मिलता है। तो मैं बात करता हूं यहां पे सबसे पहले डोर्सल फिन के बारे में। डोर्सल फिन है यानी शरीर है, शरीर की शरीर के पृष्ठ भाग की संपूर्ण लंबाई में, ठीक है ना, शरीर के पृष्ठ भाग की संपूर्ण लंबाई में ये स्थित होता है। संपूर्ण लंबाई में मध्य पृष्ठ अक्ष यानी मिड डोर्सल एक्सिस पर उपस्थित, ठीक है ना। तो शरीर के पृष्ठ भाग की संपूर्ण लंबाई में मध्य पृष्ठ अक्ष है, उस पर उपस्थित है। डायग्राम में देखिए, तो डायग्राम में देखिए, ये है, ये जो है ये डोर्सल फिन है, तो देख रहे हो शरीर की संपूर्ण लंबाई में, ठीक है ना, और ये मध्य पृष्ठ अक्ष है, यानी जो पृष्ठ भाग है, जो इसके शरीर का पृष्ठ भाग है उसके बीचों बीच स्थित होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मध्य पृष्ठ अक्ष है वहां पे बोलते हैं। अब इसका जो पश्चतम भाग है, इसका पश्च भाग वो कोडल फिन के रूप में कंटिन्यू रहता है। इसका पश्च भाग हो गया और ये कोडल फिन के रूप में कंटिन्यू है। तो यहां पे बात करें हम, यहां पे इसके अंदर पृष्ठ पक
कापस भाग कोडल फिन, कोडल फिन के रूप में कंटिन्यू रहता है। ठीक है, पृष्ठ पक है, इसका पश्च भाग है कोडल फिन के रूप में कंटिन्यू रहता है। और ध्यान रखना, ये जो सपोर्टेड होता है स्केलेटल एलिमेंट है, पृष्ठ पक है वो स्केलेटल एलिमेंट से सपोर्टेड होता है, और उनको हम डोर्सल फिन बॉक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डोर्सल फिन बॉक्सेस कहते हैं, या फिन रे बॉक्सेस कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे स्केलेटल एलिमेंट्स, और स्केलेटल एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? फिन रे बॉक्सेस, फिन रे बॉक्सेस के द्वारा सपोर्टेड। तो यहां पे फिन रेज की जगह फिन रे बॉक्सेस होते हैं। ठीक है ना, फिन रे बॉक्सेस मैंने आपको दिखाया यहां पे, और मैंने ये भी बताया कि आउट ऑफ थ्री फिन सिर्फ दो फिन्स में ये पाए जाते हैं, एक तो डोर्सल फिन में और एक वेंट्रल फिन में। ये जो बॉक्स बना रखे मैंने, ये देख रहे हो आप, ये जो बॉक्स बना रखे मैंने फिरोजी रंग में, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फिन रे बॉक्सेस कहते हैं। ठीक है ना, जबकि कोडल फिन में मैंने फिन रे बॉक्सेस नहीं बनाए। क्लियर है? तो ये हो गया यहाँ पे इसके अंदर, ये डोर्सल फिन के बारे में हो गया। उसके बारे में बात करें हम कोडल फिन, यहाँ पे कोडल फिन के बारे में बात करें, कोडल फिन पूछ पक। तो देखिए, पूछ पक नाम से पता है, ये पूछ के चारों ओर उपस्थित होता है। ठीक है ना, पूछ को चारों ओर से घेरे रखता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कोडल फिन पड़ा है। तो यहां पे बात करें हम पूछ के चारों ओर उपस्थित, पूछ के चारों ओर उपस्थित, पूंछ के चारों ओर उपस्थित होता है। इसके अलावा बात करें यहां पे फिन रे बॉक्सेस है, वो अनुपस्थित होते हैं। फिन रे बॉक्सेस अनुपस्थित होते हैं, वो यहां पे नहीं पाए जाते। इसके अलावा यहां पे बात करें, इसके अदर भाग में एनस होता है। ठीक है ना, इसके अदर भाग में क्या होता है? एनस उपस्थित होता है, गुदा उपस्थित होता है। ठीक है ना, तो कोडल फिन है, कोडल फिन के अधर भाग में गुदा ओपनिंग यानी एनल ओपनिंग उपस्थित। ठीक है, ये हो गया यहां पे। तीसरे हम बात करें यहां पे, तीसरा है वेंट्रल फिन, वेंट्रल फिन। तो वेंट्रल फिन की अगर हम स्थिति देखें, तो ये शरीर के, देखिए ये शरीर के अदर भाग में है, किंतु ये संपूर्ण लंबाई में नहीं फैला होता है। ठीक है ना, ये संपूर्ण लंबाई में नहीं फैला होता है, ये शरीर के अदर भाग है, शरीर के अदर भाग में। ठीक है ना, एक तिहाई लंबाई में होता है। ठीक है ना, यानी शरीर के पश्च, शरीर के पश्च अदर भाग में संपूर्ण शरीर की एक तिहाई लंबाई में मध्य अधर रेखा पर उपस्थित। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, शरीर के पश्च अधर भाग में संपूर्ण शरीर की 1/3 लंबाई में मध्य अधर रेखा पर उपस्थित है।
ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करें कि इसके अगर सिरे पर, ठीक है, इसका जो अगर सिरा है, ठीक है ना, इस जो अधर पक है इसका अगर सिरा वहां पे एट्रियोपोर होता है। तो यहां पे अधर पक के अगर सिरे, अगर सिरे पर एट्रियोपोर, ठीक है ना, अधर पक के अगर सिरे पर एट्रियोपोर स्थित होता है। क्या स्थित होता है? एट्रियोपोर स्थित होता है, ठीक है ना। अब किस प्रकार से स्थित है देखिए, यहां पे डायग्राम में देखिए, डायग्राम से समझ में आएगा। ये देखिए यहां पे, ये वेंट्रल फिन है, ये वेंट्रल फिन है। तो वेंट्रल फिन है यहां पे, इसका ये अग्र भाग हो गया, और अग्र भाग पे क्या है, ये एट्रियोपोर उपस्थित है, परिकोष छिद्र उपस्थित है, ठीक है ना। और ये बताइए अधर फिन है, अधर पक है, इसमें डोर्सल यानी सॉरी फिन रे बॉक्सेस उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो आउट ऑफ थ्री फिन्स, तीन फिन्स में सिर्फ दो ही फिन है जहां पे फिन रे बॉक्सेस उपस्थित होते हैं, ठीक। तो यहां पे स्केलेटल एलिमेंट्स, फिन रे बॉक्सेस के द्वारा सपोर्टेड, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या होता है, ये सपोर्टेड होता है, क्लियर है। तो तीन फिन हो गई, कितने फिन हो गए, ये तीन फिन के बारे में चर्चा की हमने। कौन कौन से फिन के बारे में चर्चा की? एक तो यहाँ पे डोर्सल फिन है, ठीक है ना, शरीर के पृष्ठ भाग में उपस्थित है, कॉडल फिन में कंटिन्यू रहता है, और फिन रे बॉक्सेस पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने बात की कॉडल फिन, नाम से पता है पूंछ के चारों ओर उपस्थित है, बट यहाँ पे फिन रे बॉक्सेस उपस्थित नहीं होते, ठीक है ना। और वेंट्रल फिन है, ये शरीर के अधर भाग में उपस्थित है किंतु संपूर्ण लंबाई में नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो शरीर के पश अधर भाग में, ठीक है ना, संपूर्ण शरीर की 1/3 लंबाई, ध्यान रखना संपूर्ण शरीर है उसकी सिर्फ 1/3 लंबाई में ये उपस्थित है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और स्केलेटल एलिमेंट ऑफ फिनरे बॉक्सेस के द्वारा सपोर्टेड है, यहाँ पे देखिए मैं डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ आपको। तो देखिए ये है, ये 1/3 लंबाई है, ठीक है ना, ये अधर भाग है, 1/3 लंबाई है, ठीक है ना, ये आगे वाली 2/3 लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, आगे वाली 2/3 लंबाई हो गई। तो ये शरीर के पश भाग के अधर, शरीर के पश अधर भाग की 1/3 लंबाई है, उसी में ये उपस्थित होता है। इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो ये था अपना फिनरेज, ये फिनरेज के बारे में जानकारी थी। उसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी ओपनिंग्स, ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं शरीर के छिद्र, शरीर छिद्र, बॉडी अपर्चर्स, बॉडी अपर्चर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहां पे शरीर छिद्र की बात करें, बॉडी अपर्चर्स की बात करें, तो इसके शरीर में तीन छिद्र पाए जाते हैं, तीन प्रकार के छिद्र उपस्थित होते हैं। वो कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, ठीक है ना, किस किस की ओपनिंग होती है, उनके नाम क्या क्या होते हैं, वो मैं बता रहा हूं। तो तीन प्रकार के छिद्र यहां पे शरीर पर, तीन प्रकार के छिद्र, तीन प्रकार के छिद्र उपस्थित होते हैं, और तीन प्रकार कौन कौन से वो ये मैं बता रहा हूं आपको। तो एक तो यहां पे क्या है, मुख है, माउथ है, इसके अलावा एक यहां पे बात करें गुदा है, गुदा है, एनस है, और तीसरा यहां पे बात करें परिकोष्ठ छिद्र है, परिकोष्ठ छिद्र है यानी एटेरियोपोर है, ठीक है ना। ये तीन छिद्र होते हैं। तो वन बाय वन एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मुख के बारे में, माउथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मुख,
तो मुख देखिए, मुख मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ओरल हुड है यानी मुख छद है, जो ओरल हुड है ओरल हुड के बीच में स्थित होता है, उसके स्वतंत्र किनारे इसको चारों ओर से घेरते हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां पे मुख की बात करें तो यहां पे ओरल हुड में उपस्थित ओरल हुड में वेंट्रोलेटरली, ओरल हुड में वेंट्रोलेटरली उपस्थित एक बड़े आकार, एक बड़े आकार का छिद्र, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ओरल हुड में वेंट्रोलेटरली उपस्थित एक बड़े आकार का छिद्र है, ठीक है ना। चारों ओर से ओरल हुड के जो स्वतंत्र किनारे वो इसको घेरते हैं, ठीक है ना। इसको चारों ओर से ओरल हुड के स्वतंत्र किनारे घेरे रहते, ठीक है। कौन घेरे रहते हैं? ओरल हुड के स्वतंत्र किनारे घेरे रहते हैं। ठीक है, बाकी इसका वर्णन है वो पाचन तंत्र में करेंगे, बस इतना ही इसका वर्णन है, ध्यान रखना। ये मुख के बारे में हो गया। तो ओरल हुड में वेंट्रोलेटरली उपस्थित बड़े आकार का छिद्र है, चारों ओर से ओरल हुड के स्वतंत्र किनारे घेरे रहते हैं। और यहाँ पे अगर डायग्रामेटिकली मैं आपको बताऊँ यहाँ पे किस प्रकार से है ये, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने माउथ सोख किया यहाँ पे, समझ गए, ये माउथ है ना, ये ओपनिंग है यहाँ पे। चलिए तो दूसरी ओपनिंग की बात करते हैं अपन। तो दूसरी ओपनिंग की बात करें तो दूसरी ओपनिंग गुदा है। क्या है? गुदा है। तो यहाँ पे हम बात करें, दूसरी ओपनिंग गुदा है, एनस है, गुदा है, एनस है। तो एनस की बात करें, गुदा देखिए ये क्या है, जो कोडल फिन है, कोडल फिन है उसके अग्र भाग में, ठीक है ना, उसके जो आधार में अग्र भाग में उपस्थित होता है। तो यहां पे बात करते हैं अपन, दो पॉइंट इसमें ध्यान रखना, यह है पूछ पक, यह पूछ पक के आधार पर, ठीक है ना, यह पूछ पक के अग्र सिरे, ऐसे कह सकते हैं, यह पूछ पक के अग्र सिरे के आधार के आधार पर उपस्थित, के आधार पर उपस्थित होता है। इसके अलावा यह असममित प्रकार का होता है, ठीक है ना, यह असममित प्रकार का होता है। असममित प्रकार का क्या होता है? जो मध्य अधर रेख है उसके थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है, यह ध्यान रखना। यह है मध्य अधर अक्ष के थोड़ा बाईं ओर स्थित, ठीक है ना, यानी स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है, या मध्य अधर अक्ष के थोड़ा बाईं ओर स्थित असममितीय छिद्र है। कैसा छिद्र है? असममितीय छिद्र है,
ठीक है ना, ये हो गया यहाँ पे। तीसरे छिद्र की बात करें तो तीसरा छिद्र काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और इस छिद्र को हम बोलते हैं परिकोष छिद्र या एट्रियोपोर या एट्रियल पोर। तो यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे बात करें हम परिकोष छिद्र। एट्रियोपोर, तो एट्रियोपोर देखिए, एट्रियोपोर की बात करते ये अधरपक के अग्र भाग में स्थित होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, अधरपक के अग्र सिरे पर स्थित। कहां स्थित होता है? अधरपक है उसके अग्र सिरे पे स्थित होता है, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात बात करें अपन कि जो एट्रियम है, ठीक है ना, एट्रियम की ओपनिंग है, तो यहां पे देखिए हम ये कह सकते हैं इसके द्वारा एट्रियम जो फेरिंग्स को चारों ओर से, घेरे रहती है। तो ध्यान रखना, इसके द्वारा एट्रियम जो फेरिंग्स को चारों ओर से घेरे रहती है, शरीर के बाहर खुलती है। कहां खुलती है? शरीर के बाहर खुलती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसके द्वारा एट्रियम जो फेरिंग को चारों ओर से घेरे रहती है, शरीर के बाहर खुलती है, ठीक है ना। अधरपक के अगर सिरे पर ये स्थित है, ठीक है ना। और ये मैं बताता हूं आपको, देखिए इसमें किस प्रकार से डायग्रामेटिकली मैं बताता हूं आपको, किस प्रकार से मैंने बताया आपको। ये देखिए यहां पे ये पूरा है, पूरी एट्रियम है, ये फेरिंग्स हो गया, ठीक है। इसके चारे का, चारों ओर का जो स्पेस है, ये जो स्पेस नजर आ रहा है, ये जो स्पेस नजर आ रहा है, ये एट्रियम है, ठीक है ना। ये एट्रियम हो गया, मैंने लिखा भी यहाँ पे, देखिए ये मैंने लिखा, ये एट्रियम है। और ये एट्रियम है, ये चारों ओर से किसको घेरे रखती है? फेरिंग्स को। ये फेरिंग्स हो गया तो इसको चारों ओर से एट्रियम ने घेर रखा है, और ये एट्रियम बाहर किसके द्वारा खुल रही है? एट्रियोपोर के द्वारा खुल रही है। किसके द्वारा खुल रही है? ये एट्रियोपोर के द्वारा खुल रही है, ये एट्रियोपोर है। और मैंने क्या लिखा है कि जो अधरपक है उसके अग्र भाग में स्थित है, तो ये अधरपक हो गया, तो अधरपक का अग्र भाग ये हो गया और पृष्ठ भाग ये हो गया, तो अधर भाग के जो अग्र भाग है उसके पास स्थित है। और जबकि ध्यान रखना, जो एनस है, ठीक है ना, जो एनस है वो कोडल फिन के अग्र भाग में स्थित होता है, आधार में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये क्लियर कट डायग्रामेटिकली हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, इसलिए हमने डायग्राम पहले बना दिए, ठीक है ना। चलिए इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे। अच्छा, एक और मध्य अधर गोल छिद्र है, ये भी ध्यान रखना। ये क्या है? मध्य अधर, मध्य अधर अक्ष, ये मध्य अधर अक्ष में स्थित होता है, मध्य अधर अक्ष में स्थित गोल छिद्र, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा छिद्र ऐसा है जो मध्य अक्ष है, मध्य अक्ष से हटकर होता है। तो ध्यान रखना, जो मध्य अक्ष से हटकर होता है वो होता है गुदा, क्योंकि ये क्या है, ये आधार पर उपस्थित होता है, मध्य अधर अक्ष के थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, जबकि यहां मध्य अधर अक्ष में स्थित गोल छिद्र है। ये क्लियर कट रहे, तो इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पे अब देखिए, यहां पे एपिप्लूरा है, एक मैंने एपिप्लूरा के बारे में यहां पे बताया, ये देखिए इसके अंदर, ये मैंने ये मेटाप्लूरल फोल्ड है और एक एपिप्लूरल है, ये इसमें बता रहा हूं मैं आपको, इन्हीं के बारे में बता रहा हूं। तो देखिए इनके बारे में हम चर्चा करें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, अगर शरीर का हम अधर भाग देखें, इसके अंदर शरीर के अधर भाग की हम चर्चा करें, तो ये इस तरीके से ये
प्लूरा है, क्या ये एपिप्लूरा है, और इस तरह से दोनों फोल्ड है, इनको हम मेटाप्लूरल फोल्ड कहते हैं, इनको हम मेटाप्लूरल फोल्ड कहते हैं। कौन से फोल्ड है ये? मेटाप्लूरल फोल्ड है, ठीक है ना। फिर आगे हम बात करें इसके अंदर इस प्रकार से, ये गुदा है, तो ये क्या, ये वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा, ठीक है ना। तो एपिप्लूरा क्या बनाता है, ये फर्श बनाता है, ठीक है ना, जो एट्रियम है उसका फर्श बनाता है। तो यहां पे एपिप्लूरा क्या करता है, यह एट्रियम का फर्श निर्मित करता है, यह एट्रियम का फर्श निर्मित करता है। और यहां पे हम बात करें मेटाप्लूरल फोल्ड है, मेटाप्लूरल फोल्ड है, तो यह जो मेटाप्लूरल फोल्ड है ये शरीर के अगर दो तिहाई भाग, शरीर के अगर दो तिहाई भाग में स्थित अधर पार्श्वीय वलन होते, क्या होते, अधर पार्श्वीय वलन होते, ठीक है ना, जो एपिप्लूरा, जो एपिप्लूरा से जुड़े रहते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये द्रव्यस्फीति लसिका द्रव्य, इनमें उपस्थित लसिका द्रव्य, द्रव्यस्फीति टर्जिडिटी बनाकर, तो इनका कार्य क्या है बता रहा हूं मैं, इनमें उपस्थित लसिका द्रव्य द्रव्यस्फीति बनाकर बिल खोदने में सहायक होता है, बिल खोदने में सहायक होते। तो ये ध्यान रखना इनका कार्य क्या है, ये बिल खोदने में सहायक है, क्या है, बिल खोदने में सहायक है ये, तो शरीर के अगर दो तिहाई भाग में स्थित अधर पार्श्वीय वलन जो एपिप्लूरा से जुड़े रहते हैं, इसमें उपस्थित लसिका द्रव्य द्रव्यस्फीति बनाकर बिल खोदने में सहायक होते, ठीक है, यानी ये एक तरीके से आप ये कह सकते सपोर्ट करते। और ये मैंने वेंट्रल साइड बनाई है, ये वेंट्रल साइड है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये गुदा हो गया और ये यहाँ पे कोडल फिन हो गए, ये कोडल फिन हो गए, ये कोडल फिन, और इसी तरह से ये एट्रियोपोर है, ये एट्रियोपोर है, और ये फिन रे बॉक्स है, ये फिन रे बॉक्सेस है, ठीक है। तो देखिए गुदा है, ये मध्य अधर अक्ष है, इसके मैंने बाईं ओर बनाए, ये ध्यान रखना ये मिड वेंट्रल लाइन है, ये मिड वेंट्रल लाइन है या एक्सिस है, इसके मैंने बाईं ओर बनाए, ठीक है। ये एपिप्लूरा हो गए और दोनों तरफ जो वलन है वो मेटाप्लूरल फोल्ड है, क्लियर है। तो ये हमने पढ़ाया साथियों इसके एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है, ब्रेंकियोस्टोमा है, इसके हमने एक्सटर्नल फीचर्स है वो डिस्कस किए हैं। बाकी की जो हम बातें हैं यहाँ पे, जो एनाटोमी वगैरह है, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी बॉडी वॉल के बारे में बताऊंगा और फिर इसकी हम फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।